नागपुर शहर में 57 स्पॉट को दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए इंटेलिजेंट सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियर आई रास्ता उपक्रम में समाहित किया गया है। इसमें 37 ब्लैक स्पॉट और 20 ग्रे स्पॉट हैं। शुक्रवार को ब्लैक स्पॉट और ग्रे स्पॉट के बारे में मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी सहित अन्य अधिकारियों ने विस्तार से जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि जिन स्थलों पर दुर्घटना होने की ज्यादा आशंका होती है और जान जाने का खतरा बना रहता है, ऐसे स्पॉट को मनपा, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, राज्य महामार्ग प्राधिकरण के संयुक्त सर्वे के माध्यम से 37 ब्लैक स्पॉट तय किए गए हैं। इनमें चिकली, पाड़ी, हनुमान मंदिर चौक, प्रकाश हाई स्कूल, मालकी नगर के पास तैयार सुरक्षा रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन इस दौरान हुआ। उस ब्लैक स्पॉट के लिए बारीकी से रिपोर्ट तैयार की गई। उसके अमल के साथ ही दुर्घटनाओं को कम करने में मदद मिलेगी। उसी प्रकार जहां दुर्घटनाओं की आशंका है, ऐसे 20 स्पॉट को ग्रे श्रेणी में समाहित किया गया है। संबंधित स्पॉट को सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। प्रेजेंटेशन के दौरान मनपा आयुक्त के अलावा मुख्य अभियंता प्रदीप खवले, कार्यकारी अभियंता यातायात रविन्द्र बुंधाड़े, उप अभियंता श्रीकांत देशपांडे, कार्यकारी अभियंता सोनाली देशमुख, अजय मानकर, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण के अधिकारी, यातायात पुलिस के अधिकारी, आई रास्ता प्रकल्प के सीईओ वर्मा कुनाला, आईआईटी हैदराबाद के गोपीनाथ चापीडी, आईएनएआई के प्रधान सचिव डॉक्टर अबुमणि सुब्रमण्यम, सीआरआईए के मुख्य सचिव डॉक्टर वेल्युरन सेनापति, राष्ट्रीय रास्ता सुरक्षा परिषद, परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के सदस्य राजू वाघ आदि उपस्थित थे। एनबीसी न्यूज के लिए राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।